जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा को साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के चोटीगाम में कश्मीरी पंडित बालकृष्ण के परिवार से मिलने जाना था, जो हाल ही में एक आतंकवादी हमले में घायल हो गए थे। हालांकि उनके फेयरव्यू गुपकार आवास के बाहर एक सुरक्षा बंकर वाहन रखा गया है, जो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। महबूबा ने कहा कि आज नजरबंद रखा गया क्योंकि मैं शोपियां में घायल हुए कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। महबूबा ने एक ट्वीट में कहा, भारत सरकार जानबूझकर कश्मीरी मुख्यधारा और पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार मुसलमानों के बारे में नकली प्रचार फैलाती है और इस फर्जी विभाजनकारी कथा को उजागर नहीं करना चाहती। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।